हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन, और आपको साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सैम क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स यूनिट 1 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फेस वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी जिसको भी हम बोलते हैं, एंड एक्सप्रेशन फॉर वेव फेस वेलोसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फेस वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो निकालेंगे, साथ के साथ हम ग्रुप वेलोसिटी के बारे में भी बात करेंगे और उसका भी एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो स्टार्टिंग हम करेंगे कि फेस वेलोसिटी क्या होती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वेव वेलोसिटी क्या होती है, और फिर हम ड्राइव करेंगे उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखिए स्टूडेंट, 1924 में डी ब्रोगली सर ने हमें ये बताया था कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसको बोला जाता है मैटर वेव, और उस मैटर वेव के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसके एक वेवलेंथ होती है, जिसके लिए डी ब्रोगली सर ने हमें एक एक्सप्रेशन निकाल के दिया था, और वो एक्सप्रेशन था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच यहाँ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, एम मास है मूविंग पार्टिकल का, और वी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हमारा मूविंग पार्टिकल और इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। डी ब्रोगली सर हमें ये कहते थे कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक सिंगल वेव एसोसिएटेड होती है, बट स्टूडेंट्स बाद में श्रोडिंजर सर ने हमें ये बताया कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक सिंगल वेव एसोसिएटेड नहीं होती, हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होती है, इसको हम वेव पैकेट बोलते हैं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि इसमें जब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे इस वेव वेलोसिटी का, जो पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, डी ब्रोगली सर हमें ये कहते थे कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, और जिस वेलोसिटी के साथ वो वेव मूव करती है उसको हम फेस वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी बोलते हैं, और ये जो वेव होगी ये मोनोक्रोमैटिक होगी, मींस इसके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। जब हम फेस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो हम देखेंगे कि उस एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही थी, और वो क्या गड़बड़ थी जब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा लास्ट में कि उस एक्सप्रेशन से हमें क्या, उसमें क्या कमियां थी उस एक्सप्रेशन में, और कैसे श्रोडिंजर सर ने उस कमियों को दूर किया बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। इस लेक्चर की स्टार्टिंग में हम पहले पढ़ेंगे कि फेस वेलोसिटी क्या होती है या फिर वेव वेलोसिटी क्या होती है, उसके बाद हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे फेस वेलोसिटी का, फिर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देखेंगे कि उसमें क्या कमियां हैं, फिर श्रोडिंजर सर की बात सुनेंगे और देखेंगे कि श्रोडिंजर सर ने कैसे वेव पैकेट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और फिर हम निकालेंगे ग्रुप वेलोसिटी की डेफिनेशन और ग्रुप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग करते हैं हम स्टूडेंट्स फेस वेलोसिटी की डेफिनेशन से, और उसके बाद ड्राइव करते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। द वेलोसिटी विथ विच अ प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव मूव्स थ्रू अ मीडियम इज नोन एज फेस और वेव वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी के साथ एक प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव मूव करती है मीडियम में, उस वेलोसिटी को बोला जाता है फेस वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। डी ब्रोगली सर ने हमें क्या बताया था, हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, उन्होंने कहा था कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, और उस वेव की जो वेवलेंथ होती है वो कॉन्स्टेंट होती है और वो मोनोक्रोमैटिक होती है, मीन्स तो उस वेव की वेलोसिटी को हम फेस वेलोसिटी बोल रहे हैं यहाँ पर, और जिसको हम वेव वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। और ये कंसेप्ट कब आया था, 1924 में। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस 1924, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट विच इज नोन एज मैटर वेव। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। डी ब्रोगली सर ने कहा था कि हर एक मूविंग पार्टिकल का वेव एसोसिएटेड होगी, अगर वेव एसोसिएटेड है तो उसके साथ कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी उसकी, और उस वेव को हम मैटर वेव बोलते हैं, और उसके साथ जो वेवलेंथ होती है उस मैटर वेव की तो वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच यहां प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास है पार्टिकल का, वी वेलोसिटी है। अब आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है, जो पार्टिकल है हमारा उसकी एनर्जी कितनी होगी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये तो पार्टिकल नेचर हो गया, अगर ये पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसकी एनर्जी जो होगी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में वो होगी E इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर एच प्लस कॉन्स्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है इस वेव की, तो अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू आ जाएगा, यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालें तो एम सी स्क्वायर बाय एच आ जाएगा। अब आप जानते हैं जो फेस वेलोसिटी की, जो फेस वेलोसिटी या फिर आप सिंपल वेलोसिटी इसको बोल रहे हैं वेव की, उस वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ। ये वेल नोन एक्सप्रेशन है और वेल अंडरस्टूड है, जो वेलोसिटी होती है जिसको हम वीपी से डिनोट करेंगे, ये हमारा है वीपी, इसको बड़े ध्यान से आप डिनोट करेंगे वीपी से। तो वीपी जो होता है वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है, वी इज इक्वल टू न्यू
लैम्डा, क्योंकि इसको हम फेस वेलोसिटी बोल रहे हैं तो यहाँ पर डीपी शो करेंगे। तो न्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है एम सी स्क्वायर बाय एच, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है फर्स्ट इक्वेशन में एच अपॉन एम वी, तो यूजिंग 1 and 4 in 5। तो वीपी इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू एम सी स्क्वायर बाय एच फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन एंड लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो सॉल्व करके आपके पास फेस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया वीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय वी। तो ये हमारा फेस वेलोसिटी आ गया। अगर आपको आता है एग्जाम में कि फेस वेलोसिटी क्या होती है और एक्सप्रेशन ड्राइव करो फेस वेलोसिटी का, तो आपको यहां तक करके आना है। इसके बाद के सेक्शन में हम देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में क्या दिक्कत है और कैसे श्रोडिंगर सर ने उस दिक्कत को दूर किया और कैसे उन्होंने वेव पैकेट और ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि जो फेस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन में लास्ट सेक्शन में निकाला था उसमें क्या प्रॉब्लम थी और कैसे श्रोडिंगर सर ने को मजबूर होना पड़ा और वे पैकेट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए। देखिए स्टूडेंट, फेस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में निकाला सी स्क्वायर बाई वी। वी है वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, ये हमारा पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी वी है, और ये जो वेव एसोसिएटेड है इसके साथ उसकी जो वेलोसिटी है वो है फेस वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी वीपी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है हमें, वो ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। मींस ये जो मूविंग पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी वी है, वी यहाँ पर जो होगा वो लेस देन सी होगा हमेशा। ये कौन कहता है? आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द वेलोसिटी ऑफ एवरी मूविंग पार्टिकल इज ऑलवेज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज डिनोटेड बाय सी। अगर वी सी से कम है तो वीपी क्या हो जाएगा? फेस वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन सी। तो फेस वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारा पार्टिकल है वो पीछे रह जाएगा और जो वेव एसोसिएटेड है उसके साथ वो आगे चली जाएगी। बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पार्टिकल था वेव एसोसिएटेड है उनके बीच में मिसमैच नहीं होना चाहिए, उनकी वेलोसिटीज के बीच में दे शुड ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी, मींस वी और वीपी जो है बराबर होने चाहिए। बट इस केस से ये प्रूव हो रहा है कि जो वीपी है वो वी से ज्यादा हो जाएगा और वेव आगे निकल जाएगी और पार्टिकल जो पीछे रह जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो डी ब्रोगली ने ये कहा था कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ मैटर वेव एसोसिएटेड होती है वो बात ठीक है, बट उन्होंने ये जो कहा था कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ सिर्फ एक ही वेव एसोसिएटेड होती है, ये बात गलत थी। उन्होंने तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था वो गलत नहीं था, बट हम ये कह सकते हैं वो इनकम्प्लीट था, अधूरा था। उसको पूरा किसने किया? उसको पूरा किया श्रोडिंगर सर ने। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, श्रोडिंगर सर ने हमें क्या बताया था। श्रोडिंगर सर ने हमें यह कहा था कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड नहीं होती, बट कि मोर देन वन वेव एसोसिएटेड होती हैं, जिनकी वेवलेंथ स्लाइटली डिफरेंट होती है, जिनकी वेलोसिटी स्लाइटली डिफरेंट होती हैं। मैं यहाँ पर आपको सिंपलिसिटी के लिए दो वेव्स यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये पहली वेव है जो मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, और ये दूसरी वेव है जो मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। मैंने जानबूझ के इनकी जो वेवलेंथ है और जो इनकी वेलोसिटीज है वो डिफरेंट ली है। यहाँ पर वेवलेंथ यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट है। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, कई पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करेगी और ट्रफ ट्रफ पे फॉल करेगी, कई पॉइंट्स पर तो होगा इन वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब ये वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होंगी जिस वेव से हमारा मैटर वेव्स बनी है, क्योंकि पार्टिकल जो है उनके साथ बहुत सारी वेव्स एसोसिएटेड है, और जब वो वेव्स जो है सुपर इम्पोज करेंगे आपस में तो इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। कई जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो कब होगा? जब क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगी, ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करेगी। और कई पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर क्रस्ट जो है वो ट्रफ के साथ फॉल करेगी और ट्रफ जो है नीचे वाली वेव की वो क्रस्ट के ऊपर वाली वेव के साथ फॉल करेगी, तो उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको जो रिजल्टेंट वेव देखने को मिलेगी वो कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। तो ये जो आपका एक सुपर पोजिशन के कारण, डिफरेंट वेव्स के सुपर पोजिशन के कारण आपको एक एनवेलप देखने को मिलेगा, और जो पार्टिकल होगा वो इस एनवेलप में कहीं भी लोकेट हो सकता है। जहां पर आपको एम्पलीट्यूड ज्यादा देखने को मिल रहा है वहां पर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और जहां पर एम्पलीट्यूड कम देखने को मिल रहा है वहां पर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, बट जीरो नहीं होगी। जीरो कहां पर होगी अभी बताता हूं मैं आपको। ये मैंने दूसरा वेव पैकेट बना दिया, ये मैंने दूसरा वेव पैकेट बना दिया, जीरो यहां पर होगी।
आउटसाइड द वे पैकेट, इन पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और यहाँ पर पार्टिकल को लोकेट करने की प्रोबेबिलिटी भी जीरो होगी। तो ये है हमारा वेव पैकेट जो कि है ग्रुप ऑफ वेव्स विच इज हैविंग स्लाइटली डिफरेंट वेलोसिटीज एंड स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ। इन सबकी वेवलेंथ सेम नहीं थी, इनकी वेलोसिटीज भी डिफरेंट थी और जब सुपर इम्पोज हुई तो रिजल्टेंट आपको ऐसा देखने को मिला और इन्हीं ग्रुप ऑफ वेव्स को बोला जाता है वेव पैकेट। और जिस वेलोसिटी के साथ ये वेव पैकेट मूव करता है आगे उस वेलोसिटी को बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो ये है हमारे ग्रुप फिलॉसफी जिसकी वैल्यू अब हम निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखते हैं डेफिनेशन वेव पैकेट की और थ्योरी में क्या ऐड करके आएंगे ग्रुप फिलॉसफी एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप फिलॉसफी के अंदर, आइए वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको एग्जाम में आता है कि ग्रुप फिलॉसफी क्या होती है और उसका एक्सप्रेशन ट्राई करो तो आप शुरुआत कहां से करेंगे और एग्जाम में क्या लिख के आएंगे आइए वो देखते हैं। द फेस वेलोसिटी वीपी इज गिवन बाय वीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय वी। तो आप पहले फेस वेलोसिटी से शुरू करेंगे, फेस वेलोसिटी का फॉर्मूला आप याद रखेंगे सी स्क्वायर बाय वी होता है जो हम ड्राइव कर चुके हैं पहले सेक्शंस में। बट जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो सी से हमेशा कम होगी, वी जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी। तो अगर हम यहाँ देखें अगर वी सी से कम है तो वीपी क्या हो जाएगा सी से ज्यादा हो जाएगा। तो फेस वेलोसिटी जो होगी वेव की वो ज्यादा हो जाएगी सी से, मींस जो वेव होगी वो पार्टिकल को छोड़ के आगे निकल जाएगी और पार्टिकल पीछे रह जाएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, वीपी और जो वी की वैल्यूज वीपी है फेस वेलोसिटी ऑफ द वेव और वी है वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, वो दोनों सेम होने चाहिए थे। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को गलत कहना सही नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट था क्योंकि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हाइपोथेसिस है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसको हम प्रूव कर चुके हैं एक्सपेरिमेंटली, तो वो गलत नहीं वो इनकम्प्लीट है। तो दिस शोज दैट मैटर वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल वुड ट्रेवल फास्टर देन पार्टिकल इटसेल्फ दस लिविंग द पार्टिकल फार बिहाइंड। अभी हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की कमियां बता रहे हैं कि जो मैटर वेव होगी पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड होगी वो ज्यादा तेज चलेगी और पार्टिकल को पीछे छोड़ देगी और खुद आगे निकल जाएगी और पार्टिकल पीछे रह जाएगा। अब इस कमी को कैसे दूर किया गया अब हम बात करेंगे। Thus a material particle can't be represented by a single wave. तो जो डी ब्रोगली सर ने हमें कहा था कि हर एक मूविंग पार्टिकल का सिंगल वेव एसोसिएटेड होती है वो आइडिया गलत था, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया श्रोडिंगर के द्वारा। उन्होंने बताया कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ मोर देन वन वेव एसोसिएटेड होती है, मीन ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होता है जिनकी थोड़ी सी वेलोसिटीज डिफरेंट होती हैं, जिनकी वेवलेंथ थोड़ी सी डिफरेंट होती है और इन्हीं ग्रुप ऑफ वेव्स को बोला जाता है वेव पैकेट। तो आप वेव पैकेट की डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद आप ग्रुप वेलोसिटी के डेफिनेशन पे आएंगे। Schrodinger resolved this problem by assuming that a material particle in motion is equivalent to group of waves with slightly different velocities and wavelengths which superimpose together and results in new wave called wave packet. तो Schrodinger sir ने हमें ये कहा था कि हर एक moving particle के साथ एक wave associated नहीं होती, उनके साथ more than वन वेव एसोसिएटेड होती है। मैंने यहाँ सिंपलिसिटी के लिए दो वेव्स बनाई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों वेव्स की वेवलेंथ डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है तो वेलोसिटी भी इनके डिफरेंट होगी। ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो आपको एक नई रिजल्टेंट वेव देखने को मिलेगी जो कुछ इस प्रकार से होगी। उसको हमने एक एनवेलप के अंदर रख दिया और इस एनवेलप को हम बोलते हैं वेव पैकेट। तो जिस वेलोसिटी के साथ ये वेव पैकेट मूव करेगा, जिस वेलोसिटी के साथ एक ग्रुप ऑफ वेव्स मूव करेगा उस वेलोसिटी को बोला जाएगा ग्रुप वेलोसिटी। और उसकी डेफिनेशन और उसका एक्सप्रेशन अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं आप ग्रुप वेलोसिटी की डेफिनेशन। द वेलोसिटी विद विच अ वेव पैकेट और ग्रुप ऑफ वेव्स मूव इन अ मीडियम इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी वीजी। ग्रुप वेलोसिटी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि जिस वेलोसिटी के साथ हमारा जो वेव पैकेट बना था, जिस वेलोसिटी के साथ जो ग्रुप ऑफ वेव्स बना था जिसके थ्रू जो मैटर वेव्स हैं जो मटेरियल पार्टिकल्स से एसोसिएटेड होते हैं वो मूव करती हैं मीडियम के अंदर, उसको हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। पर ग्रुप वेलोसिटीज को डिस्क्राइब करने से पहले आपको वेव पैकेट का पूरा कंसेप्ट वहां पर बताना पड़ेगा एग्जाम के अंदर कि वेव पैकेट होता क्या है, ये क्यों बनना श्रोडिंगर ने क्यों उसकी जरूरत समझी कि वेव पैकेट को डिस्क्राइब किया जाए, वो सारा मैं आपको पिछले सेक्शन में बता चुका हूँ, वो आप जरूर ऐड करके आइएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी की। तो उसके लिए हम दो वेव्स कंसीडर करके चलेंगे। कोई भी जो एक प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव होती है उसको हम साइनोसोडल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक साइन फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो फंक्शन क्या होता है y1 y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा माइनस न्यू टी। बड़े ध्यान से समझिए टर्म्स क्या क्या, यहाँ पर a एम्पलीट्यूड है, लैम्डा वेवलेंथ है, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है वेव की। तो इस तरह हम किसी भी प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 पाई बाय लैम्डा आ गया माइनस 2 पाई न्यू आ गया। अब 2 पाई बाय लैम्डा होता है के,
के क्या होता है, के वेव नंबर होता है, अगर इसको हम और जनरल फॉर्म में लिखे तो ये होता है एंगुलर वेव नंबर। तो के का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा यूज होगा इसके एक्सप्रेशन के अंदर, और जब हम रिलेशन निकालेंगे फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में, तब भी के की वैल्यू यूज होगी 2 पाई बाय लैम्डा। और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा से तो आप फैमिलियर होंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सिंपल फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और हमने वाई टू लेना है, दूसरी वेव लेनी है। मैंने आपको बताया था कि जो दूसरी वेव होगी उसकी वेवलेंथ थोड़ी डिफरेंट होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी डिफरेंट होगी, इसलिए जो उसका के और ओमेगा की वैल्यूज होंगी वो भी थोड़ी डिफरेंट होगी। अगर हमने पहले पहले वेव के लिए जो वेव नंबर के लिए है, तो दूसरी वेव के लिए आपको वेव नंबर स्लाइटली डिफरेंट लेना पड़ेगा, वो होगा के प्लस डी के। अगर के मान ली 1000 है तो ये होगा 1001, थोड़ा सा फर्क होगा, ज़रा फर्क नहीं होगा, बट हमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ओमेगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी पहली वेव की, और दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, ओमेगा प्लस डी ओमेगा इसकी हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना है, इनको सुपर इम्पोज करवाना है। तो रिजल्टेंट बनाने के लिए हमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होता है वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। ये वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू जो है इनका रिजल्टेंट हो गया, वाई इन दोनों को ऐड करके आएगा, और ये हमने y1 की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर y2 की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट सेक्शन में हम यहाँ पर a कॉमन लेके sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा के इसको और सिंपलीफाई करेंगे और पहुंचेंगे अपने ग्रुप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 कर दिया था। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं, और k प्लस डी के और ओमेगा प्लस डी के वाली टर्म हमने आगे लिखी है, और k और ओमेगा वाली टर्म हमने पीछे लिखी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 cos c माइनस डी अपॉन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। तो a 2 cos, ये हमारा पूरा का पूरा, ये हमारा c है, ये पूरी टर्म हमारी c को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये पूरी टर्म हमें डी को रिप्रेजेंट करी। अगर सी में से डी को माइनस करेंगे तो सॉल्व करने के बाद के से के कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो डी के अपॉन टू बचेगा, क्योंकि अपॉन में फॉर्मूले में टू भी आता है नीचे, और एक्स बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर डी ओमेगा बाय टू बचेगा, टी आ जाएगा। इन टू साइन सी प्लस डी बाय टू करेंगे, इन दोनों टर्म्स को सी और डी को ऐड करेंगे, तो ये आप सॉल्व करके अभी निकाल सकते हैं कि सॉल्व करके ये आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप स्टूडेंट क्या करेंगे, ये टू था इसको आगे लिख देंगे, तो बाकी सारे टर्म्स हमारी एज इट इज रहेंगी। अब स्टूडेंट्स, के प्लस डी के बाय टू में हम डी के बाय टू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर डी ओमेगा बाय टू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डी के और डी ओमेगा जो है बहुत स्मॉल टर्म्स है। मान लीजिए के की वैल्यू जो है वो 1000 है और डी के की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ गया। मान लीजिए स्टूडेंट, आपने किसी फ्रेंड को 1001 रुपया उधार दिया हुआ है, तो अगर वो आपको 1000 रुपये वापस करे तो आप बोलते हैं चल छोड़ यार, 1 रुपया क्या लेना, 1000 रुपये वापस कर दे, तो आप 1 रुपये जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसी तरह से हम अगर हम के प्लस डी के बाय टू में जो 1000 है वो बड़ा है, इसलिए हम डी के बाय टू को नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पर ओमेगा प्लस डी ओमेगा ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाय टू में डी ओमेगा बाय टू को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये बचेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम कंपेरिजन कर रहे थे डी के का, वो के के साथ कर रहे थे, डी ओमेगा कंपेरिजन ओमेगा के साथ कर रहे थे, यहाँ पर कंपेरिजन करने के लिए ना ओमेगा है ना यहाँ पर के है, तो यहाँ पर डी के और डी ओमेगा को हम जीरो नहीं रखेंगे, यहाँ पर डी के बाय टू को और डी ओमेगा बाय टू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। मीन्स के प्लस डी के बाय टू को हम के बराबर मान सकते हैं, ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाय टू को ओमेगा के बराबर मान सकते हैं। तो सॉल्व करके आप एक बार रिजल्टेंट वैल्यू जो आई है वेव की, वो ये निकल के आई है। इसमें आपको दो टर्म्स दिखाई दे रही है, एक टर्म दिखाई दे रही है, एक सेकंड टर्म दिखाई दे रही है। जो पहली टर्म है कॉस वाली, कॉस डी के बाय टू एक्स माइनस डी ओमेगा बाय टू टी, ये डिटरमाइन कर रही है कि ये जो वेव पैकेट है, ये जो एनवेलप है वेव्स का, ग्रुप ऑफ वेव्स है, ये कैसे मूव कर रहा है। मीन्स जो फर्स्ट टर्म है कॉस वाली, वो वीजी को, ग्रुप वेलोसिटी को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करेगी, और जो सेकंड टर्म है साइन वाली टर्म हमें इन जो वेव्स हैं इसके अंदर, जिन वेव्स से ये मिलके बना है, और उन वेव्स की वेलोसिटी को बोलते हैं फेस वेलोसिटी, उन वेव्स की वेलोसिटी क्या है वो डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करेगी सेकंड टर्म। द फर्स्ट टर्म दैट इज cos dk / 2x - d ओमेगा / 2t determines how wave packet is moving, कैसे wave packet move कर रहा है, means group velocity क्या है इस wave packet की, वो determine करने में ये वाली term हमें help करेगी cos वाली। और जो second term है, the second term that is sin kx - omega t determines phase velocity vp, तो second term है इन waves की, जिन waves से ये wave packet बना है, और उन waves की velocity कितनी है, means phase velocity क्या है, उसको determine करने में हमारी help करेगी। और ये कैसे होगा सब कुछ वो देखेंगे अब हम next section के अंदर। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट सेक्शन में हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके थे, जो कि निकल के आई थी y = 2a cos dk / 2x - d ओमेगा 2
टी और साथ में साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी था जिसको हमने स्टार इक्वेशन दिया था। और मैंने आपको ये बताया था जो फर्स्ट टर्म है वो ग्रुप वेलोसिटी को डिटरमाइन करेगी और जो सेकंड टर्म है साइन वाली ये वाली वो डिटरमाइन करेगी फेस वेलोसिटी को। बट जनरल फॉर्मूला क्या होता है स्पीड ऑफ अ वेव का, यानी स्पीड ऑफ अ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ अ वेव का फॉर्मूला बोलना चाहिए, पार्टिकल नहीं बोलना चाहिए। वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू फ्रिक्वेंसी है, वेवलेंथ है और वेलोसिटी, इन तीनों में ये रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को 2 पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई ऊपर लिखे 2 पाई नीचे लिख दिया, इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे 2 पाई न्यू अलग से लिख दिया ब्रैकेट में और लैम्डा अपॉन 2 पाई हमने अलग से लिख दिया ब्रैकेट में। अब 2 पाई न्यू क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और 2 पाई वाला लैम्डा क्या होता है, ये होता है के वेव नंबर, स्टार्टिंग हमने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था 2 पाई अपॉन लैम्डा जो है यहाँ पर के है, यहाँ पर आप साइड में लिख भी सकते हैं विद के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वी की जो जनरल फॉर्मूला आ गया वो ओमेगा बाय के आ गया। मीन्स अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को डिवाइड कर दीजिए तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है। तो ये जो सेकंड टर्म है क्या पता चल रहा है, जो टी का कोफिशियंट होगा ओमेगा और जो एक्स का कोफिशियंट होगा के, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें ओमेगा को के से डिवाइड कर दें तो फेस वेलोसिटी मिल जाती है। और मैंने आपको बताया था जो सेकंड टर्म है वो फेस वेलोसिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। तो फेस वेलोसिटी आ गई टी का कोफिशियंट ओमेगा डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशियंट के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेव नंबर, तो फेस वेलोसिटी आ गई है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ग्रुप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहां पर टी का कोफिशियंट क्या है, डी ओमेगा बाय 2, तो डी ओमेगा बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशियंट डीके बाय 2, डीके बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो वीजी की वैल्यू आ गई डी ओमेगा बाय डीके। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ग्रुप वेलोसिटी का पता चल गया, जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो था चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय चेंज इन वेव नंबर। तो अगर आपको आता है कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है और ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ट्राई करो तो आपने यहां तक करके आना है। अगर आपको आगे पूछा जाता है कि क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मार्क्स का जाता है 6 या 8 नंबर का, उसमें ये भी पूछ लेते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, मीन्स वीजी और वी में क्या रिलेशन होगा, तब आपको आगे वाला काम भी करके आना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी और वेलोसिटी पार्टिकल वी में क्या रिलेशन है। तो ये चीज ये दो फॉर्मूले आप बड़े ध्यान से ध्यान रखेंगे, वीपी होता है ओमेगा बाय के और वीजी होता है डी ओमेगा बाय डी के। जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू और न्यू होता है ई बाय एच, क्योंकि ई इज इक्वल होता है एच न्यू, तो न्यू इज इक्वल हो जाएगा ई बाय एच, तो ई बाय एच हमने यहाँ पुट कर दिया न्यू की जगह। अब हमें डी ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, डी ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंशिएट करेंगे डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय एच इनटू डीई, डेरिवेटिव हो जाएगा 2 पाई और एच कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा, इसको हमने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने निकालनी है डीके की वैल्यू, तो उसके लिए पहले हमें के का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू जो होती है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वेवलेंथ होता है एच अपॉन पी, तो वेवलेंथ की जगह हमने एच अपॉन पी पुट कर दिया। तो यहां से हम डिफरेंशिएट करेंगे डीके इज इक्वल टू 2 पाई बाय एच, अगेन कांस्टेंट है, साथ में डीपी आ जाएगा, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमने वीजी निकालने के लिए डी ओमेगा को डीके से डिवाइड करना है, तो हमें ए इक्वेशन को बी इक्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डीके, तो ये टर्म डिवाइडेड बाय ये टर्म, राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे ये टर्म डिवाइडेड बाय ये टर्म, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2 पाई बाय एच से 2 पाई बाय एच कैंसिल हो जाएगा और डी बाय डी पी आ जाएगा, इसको हमने दे दिया सी इक्वेशन। अब जो पार्टिकल का जो एनर्जी होती है वो मोमेंटम से कैसे रिलेटेड होती है, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने कि एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन होता है। उसके बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए इसको, डी ई आ जाएगा 1 बाय 2m कॉन्स्टेंट है, पार्टिकल का जो मास है वो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, पी का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2p इंटू डी पी, हमें वैल्यू किससे निकालनी है डी ई बाय डी पी की वैल्यू निकालनी है, तो डी पी अपॉन में आ जाएगा और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पी बाय एम बचेगा, यहाँ पर पी बाय एम बचेगा और पी होता है मोमेंटम, मोमेंटम फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी और एम से एम कैंसिल होगा तो वी आ गया। तो मींस डी अपॉन डी पी क्या था हमारा, ग्रुप वेलोसिटी था सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमने वी जी लिख दिया और ये वी के बराबर आ गया। मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है यहाँ पर कि जो ग्रुप वेलोसिटी होती है और जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है। मीन्स श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को रिजॉल्व कर दिया, मीन्स जिस वेलोसिटी से वेव पैकेट मूव करेगा उसी वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करेगा, जबकि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर एक वेव एसोसिएटेड होती मूविंग पार्टिकल के साथ तो वेव आगे निकल जाती, पार्टिकल पीछे रह जाता, तो उस मिसमैच को श्रोडिंगर ने खत्म कर दिया, मैथमेटिकली ये प्रूव कर दिया कि जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करेगा उसी वेलोसिटी से जो वेव पैकेट हमने बनाया था पीछे उसी वेलोसिटी से ये वेव पैकेट मूव करेगा। मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी भी वीजी है और
वेव पैकेट की वेलोसिटी भी वी है, तो दोनों वेलोसिटी दोनों बराबर होंगी। तो ये था स्टूडेंट्स यहाँ का हमारा टॉपिक, फेस वेलोसिटी क्या होती है, फेस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एंड रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो इसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम ड्राइव करेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, और ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।